एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें 6,60,682 छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित हुआ है। यह रिजल्ट शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषित किया है। कोई भी छात्र नहीं हुआ फेल। 52% छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, 40% छात्र सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, वहीं तृतीय श्रेणी में 8% छात्र पास हुए हैं। वहीं जो छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए बोर्ड द्वारा 1 अगस्त से 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन जमा किए जाएंगे, जिसकी परीक्षा 1 सितंबर से 25 सितंबर तक होगी। इस बार 12वीं का रिजल्ट 10वीं की मार्कशीट के आधार पर जारी किया गया है। शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आज दिनांक 29 जुलाई को 12 बजे परीक्षा फल घोषित हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में कुल 6,60,682 छात्र थे। प्रथम डिवीज़न 3,43,064 छात्र, सेकेंड डिवीज़न 2,64,295 छात्र और थर्ड डिवीज़न 48,787 छात्र सफल रहे। सर, कई छात्रों में असंतोष भी देखा जा रहा है, तो ऐसे छात्रों के लिए क्या वापस परीक्षा? जो छात्र इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए 1-8 से 10-8 तक के पंजीयन के लिए लाइन खुलेगी। उनकी ऐसे छात्रों की परीक्षा 1 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य होगी। सर, उत्तीर्ण जो प्रथम श्रेणी है, उसमें जो मेरिट लिस्ट हर बार रहती है, उसका क्या एवरेज रहा है? ये कोविड-19 की वजह से इस बार मेरिट सूची जारी नहीं की गई है, तो प्रथम डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, तृतीय श्रेणी का रिजल्ट घोषित थे। देवेंद्र सोनवानी, प्रभारी संभागाधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।